नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क और सख्त है। मिशन शक्ति इसका उदाहरण है। इसके बावजूद बदमाशों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला ताजनगरी आगरा का है, जहां हॉस्पिटल आई लड़की को शादीशुदा युवक मेहताब ने बुर्का पहनाकर शातिर तरीके से अगवा कर लिया। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला चर्चा में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इस घटने के वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाश ने लड़की को अस्पताल में फिल्मी अंदाज से किडनैप कर लिया। आरोपी पहले ही किडनैपिंग के मामले में जेल की हवा खा चुका है। आरोपी ने लड़की को किडनैप करने के लिए एक प्लान बनाया था। पीड़ित लड़की अपनी बुआ के साथ दवा लेने अस्पताल गई थी। उस दौरान आरोपित वहां पहुंच गया और बुर्का पहनाकर लड़की को वहां से ले गया। लड़की की बुआ अस्पताल में उसका इंतजार ही करती रही। वहीं इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने शुक्रवार को अपहरणकर्ता मेहताब की पत्नी और उसके दो भाभियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपित के एक भाई को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपित मेहताब की गिरफ्तारी और छात्रा की बरामदी के लेकर पुलिस की टीम मेरठ NCR में लगातार छापेमारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किशोरी के परिवार ने मामले को लव जिहाद की घटना बताते हुए घटना से जुड़े दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर इस मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस पर आरोपित मेहताब की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि नाबालिग छात्रा को अगवा करने वाला आरोपित मेहताब इसी लड़की के मामले में पहले भी एक बार जेल जा चुका है। अब तक की जांच में पुलिस से ये पता करने में कामयाब रही कि आरोपित मेहताब दिल्ली चला गया है और वहां किसी परिचित के घर छुपकर रह रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपित मेहताब इस नाबालिग को तीसरी बार अगवा कर ले गया था। पुलिस ने बताया है कि साल 2018 में मेहताब राणा मेरठ से आगरा होटल में नौकरी करने आया था, जहां उसकी पहचान नाबालिग के पिता से हुई थी। तभी से मेहताब उनके घर आने जाने लगा। मेहताब की 10 साल पहले शादी हो चुकी है और उसके 6 बच्चे भी हैं। मतलब आप इनकी जिहादी सोच देख सकते हैं, ये किस तरीके से जिहाद करने के चक्कर में सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। खैर, अब ज्यादा दिनों तक ये छुप नहीं सकता। पुलिस इसे जल्द ही पकड़कर सामने लेकर आएगी। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।